हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की सीरीज, जिसमें फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ इन दिस फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट टॉपिक दैट इज प्राइम मूवर। ओके, तो प्राइम मूवर हम किसको बोलेंगे? तो बेसिकली प्राइम मूवर क्या करता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वहां से उनका यूज करके उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि इट इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड एनर्जी फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे दो नेचुरल रिसोर्सेज दिया हुआ है, जैसे कि थर्मल है एंड नॉन थर्मल है, राइट? तो यहाँ पे प्राइम मूवर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, थर्मल एंड नॉन थर्मल। और जो नेचुरल रिसोर्सेज में थर्मल में जो है दैट इज फ्यूअल, न्यूक्लियर, जियोथर्मल, बायोगैस एंड सोलर एनर्जी, राइट? तो यहाँ पे जो फ्यूल है, जैसे हम बाइक में देखते हैं या गाड़ियां में जो चलती है वो फ्यूल से चलती है, तो उसमें जो इंजन होते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन, राइट? तो जो फ्यूल है उसके भी दो टाइप है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर जो है उसमें फ्यूजन एंड फिजन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वैसे ही जियोथर्मल, बायोगैस और सोलर से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब उसमें जो एनर्जी हमें मिलती है That is called the thermal. वैसे ही नॉन थर्मल जो है हाइड्रोलिक, मतलब वाटर से जो हमें एनर्जी मिलेगी दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक टाइडल और यू कैन से वाटर टर्बाइन। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? हाइड्रोलिक एनर्जी जो है वो जो फ्लूइड का फ्लो करने से जो हमें एनर्जी मिलती है और उससे टर्बाइन रोटेट होता है, ठीक है? तो जो बेसिकली प्राइम मूवर जो है वो क्या करता है कि ये जो एनर्जी है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, उनका यूज करके उनको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, ठीक है? सिंपल है एकदम। ओके, तो यहाँ पे आगे देखते हैं, तो फ्यूल जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। और इंटरनल कंबशन जो है वो रेसिप्रोकेटिंग रोटरी एंड रोकेट। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन है उसमें फोर स्ट्रोक एंड टू स्ट्रोक आएगा। टू स्ट्रोक जो है वो गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिया है, मतलब अभी ये नहीं बन रहा, फोर स्ट्रोक इंजन हम यूज करते हैं अभी, ठीक है? देन रोटरी इंजन एंड रोकेट इंजन, तो ये सब जो है इंटरनल कंबशन में आता है। वैसे ही एक्सटर्नल कंबशन जो है उसमें रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी आता है, और रेसिप्रोकेटिंग में स्टीम इंजन, स्टर्लिंग इंजन आता है, और रोटरी में स्टीम टर्बाइन एंड क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन आता है, ठीक है? तो ये सब जो है वो इंडिविजुअल हम बाद में देखेंगे डीपली, लेकिन आज ये समझना है, अभी ये लेक्चर में ये समझना है कि प्राइम मूवर किसको बोलते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज क्या है और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हम मैकेनिकल वर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में, राइट? सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।